न्यू मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स सो मच। किस तरह से देखते हो ये बर्थडे काफी स्पेशल है आपके लिए, ये साल काफी स्पेशल जा रहा है, क्या कुछ कहना चाहोगे? कहना नहीं कुछ चाहेंगे, बस कहता हूँ चाहता हूँ कि दुआ में याद रखो सारे यार, मतलब इतनी यहाँ तक, ये मेरा शायद फर्स्ट बर्थडे है जो मैं सेलिब्रेट कर रहा हूँ इतना फेम मिलने के बाद, क्योंकि अब जो लॉकअप के बाद ज़िंदगी चेंज हुई है, तो मैं चाहता था कि जो मेरा 30th बर्थडे है वो ज़्यादा ही आलीशान कर दूँ मैं, थोड़ा सा करे पहले भी है पर ये इसका मज़ा अलग है, क्योंकि जैसे होता ना कि सपनों की नगरिया है, ये समंदर मेरा दिल है और ये बम्बई मेरी महबूबा, उस महबूबा के साथ पहला जन्मदिन मना रहे हैं यहाँ पर हम आफ्टर माई सक्सेस, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और महादेव की कृपा है, थैंक यू सो मच। किस तरह का प्यार मिला है और आपकी एक स्पेशल फ्रेंड में सारा खान, आपकी जोड़ी को काफी प्यार मिला है, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? अच्छी दोस्त है बट वो आज बर्थडे पे आ नहीं पा रही क्योंकि वो दिल्ली में शूट कर रही है कुछ, और कई लोग नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि मतलब ट्रैवल कर रहे हैं लोग और बॉम्बे में बारिशें भी हो रही है तो लोग यहाँ से निकल जाते हैं, पर कोई बात नहीं हम अपना काम कर रहे हैं। और अच्छी स्पेशल रिलेशनशिप आपने बोला, वो रिश्ता ऐसा दोस्ती का रिश्ता है, उससे ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बाकी बहुत अच्छी इंसान है वो, और बार बार एक ही क्वेश्चन मत पूछा करो तुम। और क्या कुछ कहना चाहोगे, किस तरह से लाइफ चेंज हुई है लॉकडाउन के बाद? लाइफ चेंज हुई है क्या मतलब यार, जो पहले यहाँ तक पहुँचने की जद्दोजहद थी वो खत्म हुई है, अब एक कहते हैं हर सीढ़ी, जैसे यहाँ तक अगर सीढ़ियाँ हों तो एक एक सीढ़ी चढ़नी चाहिए, तो ये सीढ़ी चढ़ने के बाद अगली दिख रही है, तो उसके बाद ये चलता रहता है, ये तो जिंदगी की रीत है, तो सारे ही आपके साथ भी ऐसे ही होता होगा। और किस तरह से शिवम शर्मा आगे क्या कुछ सोच रहे अपने करियर में, या रियलिटी शो की तरफ ही नजर देख रहे हैं कि कोई? नहीं नहीं नहीं, रियलिटी शो अभी ऑप्शन आएगा तो जरूर करेंगे, पर अभी मेरा ध्यान मेरे क्राफ्ट की तरफ है, अभी मेरा नया शो आने वाला है एक, और चीजें आपको धीरे धीरे पता चली जाएगी, मजा आएगा आप लोगों को मेरा नया अवतार देखने को। क्या है शो के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ? नहीं ये नहीं बता सकता मैं, क्योंकि हम लोगों ने NDA साइन करा हुआ है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, तो हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। सो रियलिटी शो अगर बिग बॉस भी आने वाला है आने वाले समय में, क्या हम देख पाएंगे? अगर आपको मौका मिला तो क्या आप जा पाओ? बिल्कुल क्यों नहीं जाएंगे यार, बिग बॉस मतलब यहाँ तक जो पहुंचा हूँ रियलिटी, देखो मैं क्या म्यूचुअल, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं रियलिटी शोज ही करूंगा, ही मतलब इन द सेंस मेरी लाइफ की शुरुआत दोबारा मेरा कमबैक रियलिटी शो से होगा, स्पिट शोला मैंने किया, फिर उसके बाद जो शो मेकर्स थे उन्हीं लोगों का ये शो था, तो उन लोगों को मैंने इतना लुभा दिया उस शो में, पुराने शो में, तो वो लोग मुझे यहाँ तक ले आए, अब यही जो निर्माता है वही आगे वाले बिग बॉस के हैं, तो ये जो चेन है ये चाहता हूँ कि ये जो ट्रेन है ये डब्बे गाड़ी की गाड़ी डब्बे पे लगते रहे और मेरी ट्रेन एकदम मालगाड़ी हो जाए फुल पावर। कौन से ऐसे शख्स जिसको आप बिग बॉस पे देखना चाहोगे? लॉकअप की मैं बात कर रहा हूँ, कोई ऐसी कोई ऐसा दोस्त जिसको आप देखना चाहोगे साथ में इस बार? आ जाए कोई भी, बाबा आ जाए, सारा खाना आ जाए, पूनम पांडे, साइशा अपने तो दोस्त नहीं है, बाकी मुनव्वर नहीं आना चाहिए भाई, बहुत सारी रिपोर्टिंग पड़ती है भाई को और खतरों के खिलाड़ियों के भाई जा रहा है, तो भाई को बेस्ट विशेस, गुड लक फॉर योर फ्यूचर। मुनव्वर ने हाल ही में जस्टिन बीबर पे कुछ कहा था जिस पर काफी चर्चा हुई थी, आपका टेक ऑन क्या है उस चीज को लेके? यार देखो अब उन्होंने जिस समय बोला था वो लोगों को उनके नैरेटिव के हिसाब से लोग जज करते हैं, क्योंकि एक ट्वीट होता है तो अब 125 करोड़ का देश है तो 125 करोड़ सोच होती है, एक पढ़ते वक्त भी इंसान उसको अलग नजरिए से देखता है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पर मुझे नहीं लगता उन्होंने किसी वेम से जस्टिन का मजाक उड़ाया था, ऐसा कुछ नहीं था, शायद मैंने पढ़ी थी कुछ चीज़ें कि लोगों ने लोग बोल रहे हैं कि उसने मजाक उड़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं था, उन्होंने बस एक अब तुम्हारा एब्जॉर्ब करने का तरीका होता है वो चेंज होता है, बाकी वो बीमारी है उसकी, थोड़ा वायरस आ रखा है उनको, बहुत खतरनाक वीडियो थी, मैं तो डर गया था देख के, मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, पहले मुझे लगा यार ये कैसे कर कैसे रहा है, फिर वो लिटरली वो है, मैंने पढ़ा उस बारे में, बड़ी डेंजरस बीमारी है वो, वायरस है, होती रहती है, पता नहीं क्या, बहुत पैसा यार कर लेगा वो, ठीक है। खतरों के खिलाड़ी आने वाला है कुछ समय में, उसके बारे में किसको आप सपोर्ट कर रहे हो? काफी कंडीशन का एरिया है। खतरों के खिलाड़ी में प्रतीक सहजपाल को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, अभी तो भी शायद मुनव्वर भाई को भी कर रहा हूँ, वो तो अभी शायद गए नहीं है, जा रहे हैं, तो सिंस डे वन प्रतीक सहजपाल ऑलवेज फुल पावर, मेरी जान है वो, बढ़िया इंसान है मेरे, मैं खुद में उस पर खुद को ही देखता हूँ, अच्छा लगता है। ऑल द बेस्ट आपके करियर। थैंक यू सो मच ले जाना आपको भी, आप अपने मतलब आपके करियर के लिए आप कैमरे खरीदते रहो और फुल एकदम TRP बढ़ती रहे आपके शो की। थैंक यू सो मच। जी हमने मोहब्बत की है शो में, तुम बोल रहे थे मोहब्बत, मोहब्बत तो भाई मैं ही आशिक, तो कहते कि हमने जी हमने मोहब्बत करी है कोई लूट नहीं, हमने हमने मोहब्बत करी है कोई लूट नहीं, वो नीलाम भी हुए तो आखिरी बोली हमारी हो,
ये चीज़ है, मतलब ऐसे ही करते हैं हम लोग। और यार मेरा अगला जो शो आ रहा है वो भी मैं चाहता हूँ कि अगर जैसे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं ज़िंदगी में, तो रोमांटिक किस्म का इंसान रोमांटिक शोज के लिए ऑफर दर थिंग हमने देखी आपकी लॉकअप में, उनसे क्या कुछ विशेष देना चाहोगे? कोई ऐसी बातें जो काफी इंटरेस्टिंग हुई वो लॉकअप में, जो हम एज एन ऑडियंस हमने बाहर नहीं देखी हो, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी मूवमेंट वुड यू लाइक टू शेयर? और लॉकअप के बाद लाइक हमने आपको कभी देखा नहीं, क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट होने वाला है आपकी तरफ से? जैसे कि लाइक क्या हम आने वाले समय में आपको रियलिटी शो में और देख पाएंगे, जैसे कि बिग बॉस आने वाला है उसमें देख पाएंगे आपको? शायद, क्योंकि आज मैं पहला स्टेप फॉर रियलिटी शोज, तो शायद मैं आगे और रियलिटी शोज करूँगी, अभी पता नहीं, क्योंकि अब मुझे मेरा मेकओवर करना है, उसके बाद मैं पतली हो जाऊँ, उसके बाद से। पर अगर आपको अगर मौका मिले रियलिटी शो बिग बॉस की मैं बात करूं, आपको और जीशान को दोनों को करना रहेगा, तो आप कर पाओगे रियलिटी शो बिग बॉस? आई थिंक वो बार-बार हिंसा करता है, तो उसको कोई रियलिटी शो वाले लेंगे नहीं, क्योंकि दो बार तो वो लोगों को मार के निकला है, इस बार सब मिलके उसको मार के निकालेंगे। थैंक यू सो मच। यही कहना चाहता हूँ कि मेनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे शिवम बूम बाम। बड़ा प्यारा बंदा है, बहुत मेहनती है और बहुत मेहनत करता है, बहुत ही पॉजिटिव इंसान है, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि बहुत आगे जाए जिंदगी में, और उसकी सारी दुआएं, सारी अच्छी जायज दुआएं कबूल हो। घर पे लॉकअप पे काफी इंटरेस्टिंग रही है जी, उसके बारे में कुछ बताएंगे? फ्रेंडशिप मेरी और शिवम हमारे बहुत झगड़े होते थे लॉकअप में, लेकिन कहीं ना कहीं हमें पता था कि बाहर आने के बाद जैसे जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानने लगेंगे, वैसे वैसे चीज़ें और सोचने का तरीका बदलने लगेगा, और वैसे ही होने लगा, वैसे ही होने लगा, तो हम काफ़ी कनेक्ट होने लगे। लॉकअप के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग, हमने देखा आपकी काफ़ी सारे वीडियोज आए बाहर चीज़ें करते हुए, काफ़ी क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट हम देख सकते हैं? वेल सबसे पहले थैंक यू एकता, कंगना, एमएक्स प्लेयर, ऑल्ट वाला जी, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। बहुत सालों बाद यू नो एक रिकॉल वैल्यू होती है जो मेरे साथ हुई, तो एक वेब सीरीज आ रही है अगले 20 दिनों में, नायरा इज ऑपोजिट मी, खतरनाक बंदा है उसमें, आई एम प्लेइंग एसीपी कॉप, थोड़ा एक पंजाबी सुर है उसमें, हरियाणवी सुर है, और मज़ा आएगा देखने के लिए। वो एक प्रोजेक्ट है, फिर एक दो और प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं बारिश के बाद शुरू करने वाला हूँ, तो थिंग्स आर अमेजिंग, और बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और कड़क एंटरटेनमेंट आता रहेगा। बिग बॉस भी आने वाला है, फिर से देख पाएंगे बिग बॉस को? आपको एक बार तो देख चुके हैं। वेल तब मैं गया था एज अ गेस्ट, अगर अगर आता है कॉल और अगर मुलाकात होती है, बातें होती है, तो देखते हैं, लेकिन इस वक्त मेरे हाथ में ऑलरेडी 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो मुझे करने हैं, और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े डायरेक्टर्स हैं, जो यू नो बीइंग एन एक्टर मैं हमेशा यही आई लव एक्टिंग, यू नो आई लव सिनेमा, और अब मुझे कुछ अलग चीज़ें करने का मौका मिल रहा है, तो वो है, और अगर बिग बॉस से ऑफर आता है तो डेफिनेटली देखते हैं। यार बहुत सारे दोस्त है यार इसमें, चेतना मेरी दोस्त है, अनेरी दोस्त है, सृष्टि दोस्त है, रुबीना दोस्त है, सारे ही दोस्त है यार, तो सबके लिए ऑल द बेस्ट, और आग लगा देना, फैजू दोस्त है, मे द बेस्ट पर्सन विंस, जन्नत दोस्त है, और सब ही दोस्त। क्या आपको लगता है रुबीना एक ऐसा रिकॉर्ड बना पाएगी, खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस भी एक शख्स जीते हैं, वो है सिद्धार्थ शुक्ला, क्या रुबीना फर्स्ट लेडी और सेकेंड पर्सन बन पाएगी? यार कुछ भी हो सकता है यार, इंडिया इज फॉर द वुमेन बाय द वुमेन ऑफ द वुमेन, अगर ऐसा होता है देन यू नो गो फॉर इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं 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 ओके, तो क्या कुछ कहना चाहोगे शिवम?
सर्वगुण संपन्न सर्वशक्तिमान शिवम शर्मा पूरा नाम बूम बाम भाई का बर्थडे मेरे यार होने वाला है। और देखो जैसे कि मैं कहता हूँ कि बाहर निकलने के बाद कई लोग 22 साल में भी बूमबाम कर जाते हैं तो ऊपर वाले का हाथ एक किस ठीक है। एक साल देखो एक साल कम नहीं होने देना ठीक है ना। हमारी लड़ाई है बट एक इंटरेस्टिंग मोमेंट मुझे जिंदगी भर याद रहेगा। इसमें खाना खिलाया ना मतलब खाना खिलाना एक पुण्य का काम होता है और बर्तन साफ करना भी होता है पर खाना सब खिला वाई गुरु बाबा जी की मेहर है। हम लोग गुरुद्वारे में जाते हैं खिलाते हैं वो जो प्रसादा वगैरह होता है तो वो लोग हमारे जो शो में आप लोगों ने देखा वो हम लोग अस्तित्व में ऐसे ही है और सबका प्यार इसीलिए हम लोगों ने मिला है हमें और हम लोगों ने दिल जीते हैं। दिल का रिश्ता काफी आने वाला है। जस्ट वेट फॉर इट एंड नाउ वी आर गोइंग हमें डांस करना है। थैंक यू।